हेलो व्यूअर्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज। पहली एनर्जी आपकी आई है कि आपका अविश्वास रिलेशन से उठ गया है। आपको लगता है कि इतना टाइम हो गया है, अब आपका पर्सन वापस नहीं आएगा, आपको कोई होप नहीं रही है। पर उस फिर भी आप एक लास्ट बार ट्राई करना चाहते हो कि अगर रिलेशन बचता है तो बच जाए। आप अपने प्यार का कप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। अब आप सोचते हो कि उनकी बारी है, आप अब बैठ गए हो, आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही। आपको है कि पार्टनर की अब पार्टनर की तरफ से एक्शन आएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली आप बिल्कुल साउंड हो, बट फिर भी आपकी लाइफ में जो प्यार की कमी है उसके लिए आप अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो। एम्परर, अब थोड़ा सा दिमाग से काम लेना शुरू हो गए हो। पहले आप दिल से काम लेते थे, अपने पार्टनर के पीछे भागते रहते थे, भागते रहते थे। अब आप एक जगह बैठ गए और दिमाग से काम ले रहे हो। अब आपको लगता है कि अगर वो पर्सन नहीं आएगा तो आप भी कुछ नहीं करोगे। पर आपको होप है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आप दोनों के रिलेशन में। आपको कहीं ना कहीं होप है। अब आपका पार्टनर का देखते हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपका पार्टनर पहले देखते थे कि आपके और उनमें बहुत सारे डिफरेंसेज है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि आपके स्टेटस में फ़र्क है दोनों के, उनकी फैमिली मान नहीं रही थी, आपकी फैमिली मान नहीं रही थी, आप दोनों में कल्चर का डिफरेंस था, एज का डिफरेंस था, स्टेटस का डिफरेंस था, टेम्परामेंट का डिफरेंस, थिंकिंग का डिफरेंस था। तो वो रुके हुए थे, वो आगे बढ़ नहीं रहे थे। पर विद टाइम जब आपसे दूर हुए तो उनको फीलिंग आनी शुरू होगी कि आप तो उनकी विश फुलफिलमेंट हो और आप वो आपके बिना नहीं रह सकते। और डिवाइन की तरफ से उनको ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि आपका सोल बॉडी माइंड दोनों का सेम है, आप डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन। आपको फीलिंग आनी शुरू हो गई तो फिर आपने सोचा कि अब मैं अपने पार्टनर को नहीं छोड़ू। आपके पार्टनर ने सोचा कि अब आपको वो नहीं छोड़ेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, और उन फाइनेंशियल अबंडेंट थे वो, इनहेरिटेंस थी उनको मिल रही थी, फाइनेंशियली को डिपेंडेंट थे अपनी फैमिली के, इसीलिए वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जब से आप और वो जुदा हुए हैं वो आपको बहुत मिस करते हैं, दिन रात रोते हैं, वो आपको मैजिशियन की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको हर हाल में लाइफ में पाना चाहते हैं। और इसके लिए एट ऑफ पेंटिकल्स बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं ताकि वो आगे आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकें और आपके साथ शादी कर सकें। बॉटम ऑफ द डेक इज स्टार। आप दोनों को ही होप इस रिलेशन में नज़र आती है। बीच में आप दोनों का दिल टूट गया था पर अब दोनों को होप नज़र आ रही है, तो आपका रिलेशन अब और स्ट्रॉन्ग होगा। रीन्यूअल आ रहा है आपके रिलेशन में, रीबर्थ हो रहा है, न्यू होप्स जाग रही हैं, न्यू डिज़ायर्स, न्यू फीलिंग्स। अब आपको सब ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल लग रहा है। स्टार्स की तरह आपको लग रहा है कि नया कुछ होने वाला है। आप बहुत पैशनेट हो एक दूसरे के लिए। मून का कार्ड आया, बहुत पैशनेट हो एक दूसरे के लिए। अब आप दोनों अपनी पास की गलतियों को सरेंडर करके अपने आप को इम्प्रूव करके एक दूसरे पर बढ़ना चाहते हैं। दोनों बहुत नॉस्टैल्जिक होते हैं पास्ट की चैट्स या फोटोज़ देख के या बातें याद करके, मेमोरीज को देख के, और एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। जितना एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। दोनों बैलेंस करके ब्रेन और अपने हार्ट के, जो गलतियाँ पहले की है, जो दिल से काम लिया और इतना कैओस हो गया, इतने झगड़े हो गए, उन सब के ऊपर सोच के स्ट्रेटजीज बना के दोनों एक न्यू रिलेशन शुरू करेंगे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। हर्मिट मोड में जाके एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, अपनी वीकनेसेस पे काबू पाओगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन करोगे। अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के बाद ही आप एक दूसरे की तरफ बढ़ोगे और सोचोगे कि कैसे एक दूसरे के साथ इकट्ठे चला जा सकता है और आगे दोनों ही हैप्पी लाइफ की उम्मीद करते हैं। ओवरऑल जितनी डिसअपॉइंटमेंट्स थी पहले रिलेशन में अब वो नहीं है। अब दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों अभी हील कर रहे हैं, दोनों अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और कभी ना कभी दोनों आप दोनों मिलोगे। थैंक यू सो मच।